हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, वो व्यक्ति जिन्होंने जो मुझे पैसे सेंड करते हैं क्यूआर कोड पे अपने मन से, तो उनमें से एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है प्रीति रंजन। प्रीति रंजन ने मुझे पे किया 500 रुपीज़। तो प्रीति रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना वीडियो। तो जो भी लोग मुझे पैसे सेंड करते हैं उनके नाम मैं ज़रूर बोलता हूँ अपने वीडियोस में, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डायग्राम देखना है और आपको बताना है कि बर्ड्स एग एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे डब्ल्यू क्या है। तो डब्ल्यू है आपका शेल, जेड क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो है, वाई क्या है, योल्क है, ठीक है, और एक्स क्या है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इसमें सही ऑप्शन क्या है। तो डब्ल्यू इज़ मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन। तो डब्ल्यू पहला गलत है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला है, एक्स इज़ मेनली फैट एंड प्रोवाइड फूड डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो गलत है, एक्स क्या है, एम्ब्रियो है और ये एक तरीके का प्रोटीन है। इसमें वाटर कंटेंट होता है और प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी, जेड डेवलप इनटू बेबी। तो जेड जो होता है ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है, यही किस जो डब्ल्यू यहाँ पे दिया हुआ है एम्ब्रियो, यही इसमें चेंज होता है आपका, ये आपका चेंज होता है चिक, यानी कि मुर्गी के जो बच्चा होता है उसमें ये चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखा है वाई इज़ मेड ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, ये गलत है। ठीक है ना, वाई क्या है आपका, योल्क है, ठीक है, जो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे आपको बताना है, डायग्राम देखना है और आपको यहाँ पे पता है कि फूड चेन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा, आपका ग्रास होपर। तो पहले पी आएगा, ठीक है, पी के बाद आपका क्या आएगा, पी को कौन खाएगा, ग्रास होपर खाएगा। ग्रास होपर को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, मोर खाता है, यानी कि पीकॉक खाता है। तो इसका आंसर बनेगा क्या, पी टी एस आर क्यू, पी टी एस आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा फूड चेन। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। यंग वंस ऑफ ए फ्रॉग एंड कॉकरोच अंडर गो मेटामॉर्फिस टू बिकम एडल्ट। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच जब एडल्ट बनता है तो उसे हम कहते हैं माउल्टिंग। क्या कहते हैं, माउल्टिंग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का एडल्ट बनना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है, लेकिन कॉकरोच का माउल्टिंग कहलाता है। अगला है, तो पहला फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है, योल्क प्रोवाइड्स फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड एन एग, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, पहला सही है इसमें ऑप्शन नंबर सी से, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो योल्क जो होता है वो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है इनसाइड द एग, बिल्कुल ठीक है। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लार्वा जो होता है ना, लार्वा वो हाउस फ्लाई होता है और उसे हम कहते हैं मैगट, ना कि हम उसे कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। कैटरपिलर आपका बटरफ्लाई के केस में होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम द शॉक एंड जर्क प्रोवाइड इन वाटर, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो एल्ब्यूमिन होता है वो योल्क एम्ब्रियो को, और योल्क जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे सबसे डिफरेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट क्या है, ठीक है, तो सबसे डिफरेंट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्यों, देखिए, निम्फ, कैटरपिलर और टैडपोल, ये सब कहाँ से निकलते हैं आपके, ये अंडों से निकलते हैं, ठीक है ना। अब जबकि जोई क्या होता है, ये कंगारू के बच्चे को कहते हैं, कंगारू का बच्चा क्या होता है, सीधे सीधे जन्म लेता है, ना कि अंडे से बाहर आता है, इसलिए ये सबसे डिफरेंट है। अब यहाँ पे आते हैं कॉमियोफ्लॉक। कॉमियोफ्लॉक का हम किससे मैच करेंगे फर्स्ट नंबर का, तो पोलर बियर से, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है और आइस में आइस भी व्हाइट कलर का होता है, इससे पता नहीं चलता है कि यहाँ पे है। तो हो जाएगा फाइव नंबर। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में कौन जाता है, तो आर्कटिक ग्राउंड स्क्वायरल फर्स्ट, और फिर है आपका स्केवेंजर। स्केवेंजर हम किसे कहते हैं, हाइना को। उसके बाद है माइग्रेशन, माइग्रेशन में थर्ड है आपका साइबेरियन क्रेन, और एवेस्टिवेशन का है फोर नंबर लंग फिश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, लाइफ साइकिल आपको बताना है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कब ये जो स्टेज है ये खाना बंद कर देता है। तो ये है आपका प्यूपा स्टेट,
ठीक है ना, ये प्यूपा स्टेट है आपका, ठीक है। एक्स आपका लार्वा स्टेट है, ई क्या है आपका एग है, ठीक है ना, ये डब्ल्यू एग है, और जेड आपका क्या है एडल्ट है, ये क्या हो जाएगा बटरफ्लाई। तो प्यूपा में, ठीक है ना, प्यूपा में ये खाना बंद कर देता, तो ये कौन सा स्टेज है, ये आपका वाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाई। क्वेश्चन नंबर कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फिश को हम किससे मैच करेंगे, तो फिश के बच्चे को फ्राई कहते हैं, तो जाएगा डी फ्रॉग, फ्रॉग को टैडपोल कहते हैं, कॉकरोच के बच्चे को निम्फ कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, और हाउस फ्लाई के बच्चे को मैगट बोलते हैं, तो हो जाएगा बी। तो क्या बन रहा है डी सी ए बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है रिफर टू द गिवन फूड चेन सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, कैरेट को कौन खाता है रैबिट, रैबिट को कौन खाता है स्नैक, और स्नैक को कौन खाता है ईगल। अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए ओनली रैबिट फीड्स ऑन कैरेट, तो जो आपका रैबिट है वो सिर्फ और सिर्फ फीड करेगा कैरेट पे, बिल्कुल ठीक है। ईगल गेट्स इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम कैरेट रैबिट एंड स्नैक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो ईगल है वो कैरेट नहीं खाता। स्नैक गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम रैबिट डायरेक्टली, तो स्नैक जो है वो अपनी एनर्जी डायरेक्टली रैबिट से लेगा, बिल्कुल ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फोर नंबर है एनर्जी फ्रॉम कैरेट गेट ट्रांसफर, तो एनर्जी जो है कैरेट की वो ट्रांसफ़र होगी स्नैक थ्रू रैबिट, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखिए रैबिट की एनर्जी, देखिए कैरेट की एनर्जी रैबिट, और रैबिट की एनर्जी कहाँ पे पास होगी स्नैक पे पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो आपको बनेगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि सेकेंड इसमें गलत है। नाइन नंबर, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एनिमल जो है वो ब्रीथ करता है फिश की तरह, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, और ये क्या है टैडपोल, टैडपोल, टैडपोल मेढक के बच्चे को कहते हैं, जब मेढक का बच्चा होता है तो अपने गिल्स से सांस लेता है, ठीक है। उसके बाद जब ये है आपकी डॉल्फिन्स, ये आपके लंग्स से सांस लेती हैं, इनके सर के ऊपर ब्लो होल्स बने होते हैं, ये वाटर सरफेस पे आती है और वहाँ पे सांस लेती हैं। फिर ये आपका लंग से सांस लेता है, ये मैमल है, बैट है, और ये आपका देखिए मेढक जो होता है वो दो तरीके से सांस लेता है, एक अपने लंग से और एक अपने स्किन से। क्वेश्चन नंबर टेन, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए पोलर बियर और पेंगुइन आपके ठंडी जगहों पे रहते हैं, कैमल यहाँ पे डिफरेंट है, डॉल्फिन और व्हेल आपके कहाँ पे रहते हैं समुद्र में, पानी में रहते हैं, फ्रॉग आपका एम्फीबियन है, ये दोनों जगह रहता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ठीक हैं, मतलब ऑड वन सही है। फ्रॉग टोड और लिजर्ड, तो देखिए फ्रॉग टोड और लिजर्ड ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉग और टोड कहाँ पर रहते हैं पानी में रहते हैं, लिजर्ड आपका रेप्टाइल है जो ज़मीन पर रहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंकी स्क्वायर देखिए एयरबोरियन एनिमल है, ये आपके पानी में रहते हैं, सॉरी पेड़ पे रहते हैं, और ऑक्टोपस आपका कहाँ पे रहता है पानी में रहता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट क्या है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द गिवन स्टेटमेंट ऑफ एक्स, एक्स के बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि एक्स क्या है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, ये लैंड पे भी रहता है, और जब ये लैंड पे रहता है तो अपने लंग से सांस लेता है, और जब पानी में रहता है तो अपने स्किन से सांस लेता है, ये कौन है, तो ये है आपका टॉड, क्या है टॉड, ठीक है, यानी कि मेढक की बात हो रही है। अब यहाँ पे आएंगे, इन द गिवन फिगर ऑफ द एन एग डैश रिप्रेजेंट द फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, तो जो एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को फूड कौन प्रोवाइड करता है, ये पी, ठीक है ना, जो इसके चारों तरफ पीला वाला पार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी, ऑप्शन नंबर ए पी। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, आपको यहाँ पे ये बताना है कि कितने फूड चैन यहाँ पे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फूड चैन जो है वो है आपके 7, कौन से हैं 7 है, ठीक है, तो इनका मैं बताऊंगा कौन कौन सा है, देखिए 7 है, ठीक है, तो चलिए 7 में शुरू करते हैं, कौन कौन सा फूड चेन है। देखिए पहला है प्लांट, प्लांट को कौन खाएगा फ्लाई, फ्लाई को कौन खाएगा लिजर्ड, और लिजर्ड को कौन खाएगा फिर स्नैक, ठीक है ना, यहाँ पे, तो पहला फूड चेन हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा फूड चेन है प्लांट रैबिट स्नैक, तो प्लांट रैबिट, और रैबिट को कौन खाएगा स्नैक, ठीक है, तो ये दूसरा फूड चेन हो गया। तीसरा है प्लांट रैबिट फॉक्स, प्लांट रैबिट, और रैबिट को कौन खाएगा फॉक्स खाएगा, ठीक है। अगला है प्लांट ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाएगा लिजर्ड, और लिजर्ड को कौन खाएगा स्नैक, ठीक है। फिर है प्लांट, प्लांट फिर से देखिए प्लांट ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाएगा फ्रॉग खाएगा, और फ्रॉग को कौन खाएगा स्नैक खाएगा, ठीक है। अगला है
फिर है प्लांट, प्लांट से कहाँ पे जाएंगे, रैट पे, ठीक है ना, रैट खाएगा, रैट को कौन खाएगा, फिर फॉक्स खाएगा, फिर है प्लांट, लास्ट प्लांट रैट स्नैक, तो प्लांट रैट और रैट को कौन खाएगा, स्नैक, ठीक है। तो 7 आपके इसमें फूड चेन थे। अब अगला है 14 नंबर, यहाँ पे देखिए फूड चेन में क्या डिफरेंस पड़ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ग्रास होपर की संख्या कम्प्लीटली यहाँ से खत्म कर दी जाए तो क्या होगा। तो देखिए पूरा का पूरा फूड चेन गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रास होपर अगर ख़त्म हो जाएगा तो फ्रॉग को खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, और जब फ्रॉग को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो फ्रॉग की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा, प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फ्रॉग की संख्या अगर घट जाएगी तो खाने के लिए स्नैक को भी दिक्कत होगा, तो स्नैक भी क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे, और इनकी भी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा फूड चेन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग विल बी डिक्रीज, क्यों, क्योंकि ग्रास ऊपर रहेंगे नहीं तो फ्रॉग खाएगा क्या, तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये क्या है, ये बियर है, पेगविन है, ये वॉलरस है, ठीक है, तो इनके बारे में आपको क्या बताना है, सिमिलैरिटी बतानी है कि क्या इसमें होगा। दे लिव इन कोल्ड इन्वायरमेंट, ये ठंडी जगहों पर रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। दे हैव थिक लेयर एंड फरी कवरिंग विथ हेयर बॉडी, तो ये गलत है, क्योंकि देखिए भालू के पास तो आपका होता है, ठीक है ना, लेकिन इन दोनों के पास हेयरी नहीं होता, ठीक है। हैव ए थिक लेयर फैट अंडर स्किन, और इनकी जो स्किन होती है उनके अंदर एक फैट स्किन होता है, और ये क्या मैमल होते हैं, ये मैमल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा सिर्फ पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कैसे, देखिए आर लिखा है डॉल्फिन, तो आर मैमल है, लेकिन क्या अंडे देता है, बिल्कुल भी नहीं, तो पहला गलत हो गया। अ क्यू विड बी पाइथन, क्या क्यू पाइथन हो सकता है, क्या मैमल है, नहीं, ये वे अंडे देता है, तो ये आपका क्या है, गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही दे रखे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो रखा है वो ऑप्शन नंबर ए लिख रखा है, कैसे, देखिए जेड यहाँ पे है, तो जेड के बारे में हम पढ़ते होते हैं, ये ज़मीन पे रहता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये जो एनिमल है वो ज़मीन पे रहता है, कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ये पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है, तो यहाँ पे लिखा है नहीं, वो जानवर नहीं है। फिर है स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन द ट्रीज, और ये सबसे ज़्यादा टाइम अपना कहाँ पे बिताता है, ट्रीज पे, तो ये जेड किया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे लिखा है जेड कुड बी एन एनिमल हैविंग वेब्ड फीट एंड द गिल्स, ठीक है, तो क्या वेब्ड फीट और उसके पास गिल्स होता है, नहीं, ये एकदम गलत है, ठीक है। अब जैसे एक्स के बारे में हम आते हैं, देखिए एक्स यहाँ पे लिखा है ना, एक्स क्या लिखा है कि वो ज़मीन पे रहता है, तो सेलामेंडर हो सकता है, क्यों, क्योंकि सेलामेंडर जो है वो आपका क्या है, एम्फीबियन है, ठीक है, तो एम्फीबियन है तो ये ब्रीद करेगा किससे, अपने स्किन से, ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। वाई देख लेते हैं, वाई क्यों सही है, वाई कुड बी मंकी एंड स्ट्रांग आर्म्स एंड टेल होल्ड टू द ब्रांचेस, तो वाई पे देखिए ये इस अपना ज़्यादा टाइम पेड़ पे बिताए, तो पेड़ पे मंकी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। डब्लू कुड बी सैलमन, तो डब्लू आपका सैलमन हो सकता है, देखिए देखिए ये सैलमन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सैलमन जो है गिल से सांस नहीं लेता, ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, ये भी आपका सही है। तो इसमें गलत क्या था, ऑप्शन नंबर जेड गलत था, क्योंकि यहाँ पे वेब्ड फिट नहीं होती है, ठीक है, और गिल्स भी नहीं होता, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, क्योंकि गिल्स की बात ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये वाटर में रह ही नहीं रहा है, जब वाटर में रह ही नहीं रहा तो गिल्स की कोई बात ही नहीं होगी, तो यहाँ पे यही ऑप्शन पहला आपका क्या है, गलत है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, अंबिका क्लासिफाइड एज द अकॉर्डिंग टू देयर एडाप्टेशन टू फूड हैबिट बाई मिस्टेक द प्लेस वन मेंबर ऑफ द ईच फैमिली, इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है। तो देखिए लाइस, स्टिक, इंसेक्ट और लीच, ये सब क्या है आपके, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। उसके बाद ग्रुप टू जो है ये इसके व्यंजर है, ईगल, वल्चर, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, टाइगर, स्नैक, बियर, ठीक है, तो टाइगर, स्नैक, बियर यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे गलत होगा आपका बियर, ठीक है। देखिए टाइगर और स्नैक आपके जंगल में रहते हैं, लेकिन बियर आपका कहाँ पर रहता है,
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है ये देखिए, ये इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना, बियर इन द ग्रुप थर्ड प्लेस द हैजहॉग। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो बियर है वो आपका पोलर जगहों पे रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइगर और स्नेक ये सब क्या हैं, आपके जंगल में रहने वाले जानवर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत होगा, तो यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में हम बियर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हैजहॉग से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपके क्या हैं, कार्निवोरस हैं, कार्निवोरस जानवर हैं, ठीक है, कार्निवोरस जानवर हैं। और उसके बाद जो बियर होता है वो आपका ओमनीवोरस होता है, क्या होता है, ओमनीवोरस होता है, ठीक है ना। इस वजह से ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे आपको बताना है दो ऑप्शन कौन कौन से सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड। ए के सेकंड में हम क्या बोलेंगे, टैडपोल, द क्लस्टर ऑफ एग इज फ्रॉग डैश एंड व्हेन दे हैच कम्स आउट। तो ये कम्स क्या होता हैच, यानी कि टूटेगा तो क्या बनेगा, टैडपोल, ठीक है। फिर अगला है बी फर्स्ट फोर, तो यहाँ पे बी का फर्स्ट जो है हाउस फ्लाई का जो स्टेज होता है वो क्या होता है, फोर स्टेज होता है, क्या होता है, फोर स्टेज उनका होता है हाउस फ्लाई का, ठीक है। तो हाउस फ्लाई का क्या क्या होता है, देखिए पहले एग आता है, बता देता हूँ, एग आता है, एग के बाद लार्वा आता है जिसे मैगट बोलते हैं, फिर प्यूपा आता है और फिर एडल्ट, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे फूड वेब है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है वो आपका सही है, देयर आर द फूड चेन इन द वेब। तो फूड चेन वेब कौन कौन सा है, देखिए पहला फूड चेन आपका है ए, ए को कौन खाएगा, सी, और सी को कौन खाएगा, डी, ठीक है, और डी को कौन खाएगा, एफ, ठीक है। तो पहला फूड चेन ये हो गया, दूसरा ए डी एफ, तो ए को कौन खाएगा, डी, और डी को कौन खाएगा, एफ। इसके बाद है ए ई एफ, तो ए को कौन खाएगा, ई, ठीक है, और ई को कौन खाएगा, एफ। अगला है ए को कौन खाएगा, ए को ई खाएगा, ठीक है, और ई को कौन खाएगा, बी खाएगा, और बी को कौन खाएगा, एफ खाएगा, ठीक है। अगला है ऐसे, ए को ई खाएगा, ई को बी खाएगा, और बी को जी खाएगा, और जी को कौन खाएगा, एफ खाएगा, ठीक है। तो ये आपके फूड चेन थे, तो यहाँ पे फाइव फूड चेन हैं। अब देखिए 2021 के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ आपको देखिए ये दिया गया है करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो वाई है, वाई क्या करता है, एम्ब्रियो, ये जो वाई एम्ब्रियो है ना, एक्स जो है वाई को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहीं पे इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है, सेकंड नंबर। शीप एंड गोट बिलोंग्स टू ग्रुप एक्स, वाइल्ड रैट एंड बियर बिलोंग्स टू वाई, व्हाट इज द कॉमन अमंग देम। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, गोट और शिप क्या हैं, और यहाँ पे रैट और बियर क्या हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो शिप होता है वो भी बच्चे को जन्म देता है, बकरी भी बच्चे को जन्म देती है, बियर भी बच्चे को जन्म देता है, और रैट जो होता है वो भी बच्चे को जन्म देता है। तो इन सभी में कॉमन क्या है कि ये बेबीज़ को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। इसमें से पैरासाइट कौन सा नहीं है, तो ये आपको बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आपको पैरासाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे कौन सा एनिमल कैमोफ्लेज शो नहीं करता है, तो ये है आपका हॉक मोथ कैटरपिलर। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई के बारे में बताना है, ऐसा एनिमल जो ज़मीन पे रहता है, ठीक है, उसके बाद इसकी जो लाइफ साइकिल है वो फोर स्टेज है, नहीं, और इसकी जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो अंडों से बाहर निकलते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो पहला आपका किसके बारे में बता रहा है, कॉकरोच, कॉकरोच की आपकी कितनी है, थ्री स्टेज, और फोर स्टेज किसकी होती है आपकी, मॉस्किटो या फ्लाई की, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तो कॉकरोच की थ्री स्टेज की होती है, और मॉस्किटो की फोर स्टेज की, हाई हाउस फ्लाई की भी इतनी ही होती है। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप भी मुझे कुछ पैसे सेंड करना चाहते हैं तो मेरे क्यूआर कोड से आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपको क्यूआर कोड दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो भी पैसे आप सेंड करते हैं उस पैसे से मैं बुक्स खरीदता हूँ और उन्हीं बुक्स से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका मन है तो ही आप सेंड करिएगा। चलिए देख लेते हैं अपना क्यूआर कोड, तो ये है दोस्तों मेरा क्यूआर कोड, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और जो भी पैसा आप सेंड करेंगे वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का अगर मन है, आपको अच्छा लगता है डोनेट करना, तो आप डोनेट करिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।